ओके, तो आपने वीडियो पे क्लिक कर लिया है एंड ट्रस्ट मी, आप ये स्नीकर मिस नहीं करना चाहोगे। दीज आर फायर, आई मीन दीज आर सो ब्यूटीफुल। आज जिस स्नीकर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है एयर मैक्स 1 वाबी साबी। आई मीन यू कैन लुक एट इट, दीज आर अमेजिंग। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी अचिन चावला एंड अगर आपको स्नीकर पसंद है तो ट्रस्ट मी आप सही जगह आए हैं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं टोबॉक्स को थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर लेंडिंग मी दिस स्नीकर एंड लेटिंग मी रिव्यू दिस। आप उनका पेज चेकआउट कर सकते हैं, दे आर कम्प्लीटली जेन्युइन रीसेलर्स। तो ये रीजनल स्पेसिफिक थे, जैसे यीजीज होते हैं वैसे नाइकी ने भी ये रीजनल किया था, तो ये एशिया पैसिफिक के लिए था एंड बाकी दो जो थे वो भी आप देख सकते हैं उनकी इमेजेस। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इसके बॉक्स से। दिस कम्स विद अ स्पेशल बॉक्स, आप ऊपर रोमन नंबर्स में देख सकते हैं 35 लिखा हुआ है विच इंडिकेट्स 35th एनिवर्सरी ऑफ एयर मैक्स एंड आपको ऊपर नाइकी और एयर लिखा हुआ दिख जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा विच इंडिकेट 26th मार्च एयर मैक्स डे, आपको साइड में नाइकी स्माइली वाला स्वूश दिख जाएगा एंड आपको डिटेल्स दिख जाएंगे। तो अब चलते हैं स्नीकर्स की तरफ। ओके, तो स्नीकर्स का नाम है वाबी साबी एंड वाबी साबी का मतलब है फाइंडिंग ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, आई थिंक विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन दी स्नीकर्स रियली नाइसली। तो स्नीकर्स की बात करते हैं। एक जो सबसे अच्छी डिटेल मुझे लगी है वो है जो स्टिचिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, इट्स गिविंग अ गुड कॉन्ट्रास्ट टू द स्नीकर्स विच आई रियली लव। तो आपको इसमें मिसमैच लुक दिख जाएगा, आप देखोगे जो ऑलिव ग्रीन और जो ब्राउन कलर वे है वो आपको मिसमैच दिख जाएंगे एंड जो ऑरेंजिश येलो कलर वे है और जो बेज कलर वे है, जो स्किन कलर ले लो काइंड ऑफ, वो आपको दोनों स्नीकर्स में सेम जगह पे ही है विच आई थिंक gives it a really nice look। आप पीछे की तरफ देखोगे आपको नाइकी का swoosh दिख जाएगा स्माइली वाले उसमें एंड पीछे भी आपको सेम पैटर्न दिख जाएगा विच आई रियली लव। जो नाइकी swoosh है वो आपको ग्रेइश कलर में मिल जाएगा। तो एक और जो डिटेल मुझे काफी पसंद आई वो, तो आप आगे की तरफ देखोगे स्वेड है उसके अंदर आपको स्टिचिंग दिख जाएगी नाइकी की विच इज नॉट परफेक्ट, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाथ से किया हुआ है, थोड़ा परफेक्टली नहीं आया विच ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट्स अगेन वाबी साबी। तो एक और बहुत ही अच्छी डिटेल लगी मुझे जो कि आप साइड में देख सकते हैं, रेड कलर की आपको स्टिचिंग दिख जाएगी जिसमें आपको रोमन नंबर दिख जाएगा 3X और एक V विच इंडिकेट्स 35th एनिवर्सरी जो आपको बॉक्स में भी दिख रहा था विच आई फाइंड अ रियली नाइस डिटेल। आपको ऊपर की तरफ जो है वो कैनवस मटेरियल मिल जाएगा, जितना भी बाकी मटेरियल है वो स्वेड मटेरियल में है एंड जो टंग है वो भी कैनवस मटेरियल में है। टंग के ऊपर जो आपको स्क्वायर एक पीस दिख जाएगा जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा, जो कि एक और अच्छी डिटेल है, और उसमें आपको एक प्लास्टिक जो सी थ्रू वाला है वो दिख जाएगा, उसमें नाइकी एयर की ब्रांडिंग हो रखी है। तो उसके अंदर आपको छोटे से कार्ड्स दिख जाएंगे जो आप सी थ्रू वाले में डाल सकते हैं एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं इनसोल पे। इनसोल पे आप देखोगे एक जो है वो वही ऑरेंजिश येलो कलर में है एंड जो एक शू में है वो आपको बेज कलर में दिख जाएगा, आपको इसमें व्हाइट फ्लैट लेसेस मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं मिडसोल पे। मिडसोल जो है वो ऑफ व्हाइट कलर में है, जैसे आप कोई स्नीकर लाते हैं एंड वो येलो होने लग जाते हैं ना, वैसा सा लुक है विच गिव्स इट अ क्लासिक लुक एंड आपको दिख जाएगा क्रैक्स उन्होंने खुद से बना रखे हैं। तो आप अगर दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो मिडसोल है वो क्रैक्ड है, जैसे आप स्नीकर्स काफी ज्यादा पहनते हो तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो आपको इसमें पहले से ही उन्होंने बना के दिया हुआ है। कभी कभी वो जो लुक होता है जो यूज स्नीकर का होता है दैट लुक्स रियली ग्रेट। तो अब चलते हैं आउटसोल पे। तो आपको गम आउटसोल मिल जाएगा, यूजुअली आई डोंट लाइक गम आउटसोल, किसी किसी में ही पसंद आते हैं बट दिस वन लुक्स रियली गुड। तो चलते हैं मेरे ओपिनियन की तरफ। ओके, सो इन माय ओपिनियन आई लव दिस स्नीकर, आई थिंक दीज आर द बेस्ट एयर मैक्स इन 2022। आई मीन दीज आर द बेस्ट स्नीकर्स इन 2022 इन माय ओपिनियन, आई रियली लव्ड इट, बहुत ही एक तो प्रीमियम क्वालिटी। अब देखते हैं कि ये ऑन फीट कैसे लगते हैं। ओके, थैंक्स टू कार्तिक क्या पहना हुआ है फॉर डूइंग द ऑन फीट, क्योंकि ये मेरा साइज नहीं है। सो लेट्स गो।
ऑन फीट आपने देख ही लिए होंगे एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग. मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, दी स्नीकर्स आर ब्यूटिफुल एंड ऑन फीट तो ये और ही अच्छे लग रहे थे. चलते हैं मेन चीज की तरफ जो की है प्राइस. तो प्राइस मैं कहूंगा इसका जो रिटेल था आई थिंक 13K था और जो रीसेल प्राइस है आई थिंक बहुत ही कम पेयर्स आए थे इंडिया में. जो भी आए थे वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जितने रीसेल होने थे वो भी रीसेल हो चुके हैं. तो ये काफी डिफिकल्ट टू फाइंड होंगे अभी. पहले आए सॉ दिस 17-18K में, बट राइट नाउ आई रियली थिंक 20 के ऊपर चले जाएंगे बिकॉज बहुत रेयर है अभी. दिस वॉज अबाउट द प्राइस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. सो शो सम लव, कमेंट्स करो, इंगेजमेंट बढ़ाओ. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में. बाय बाय.